जैसे आप मेरे साथ देख सकते हैं, आई हैव श्वेता त्रिपाठी राइट हियर विद मी, जो अपनी मूवी गॉन केश के बारे में बात करने के लिए आई हैं। एंड यू हैव टू टेल मी द मूवी नेम इज गॉन केश, बट योर केश इज राइट हियर, सो व्हाई डिड दैट हैपन? आई हैव हर्ड कि वी विल टॉक अबाउट कि भाई मूवी किस बारे में है, बट इट इज डेफिनेटली अबाउट अ बॉल्ड गर्ल एंड इट्स अ सीरियस टॉपिक, इट्स अ वेरी टचिंग टॉपिक। लेकिन द फैक्ट इज दैट व्हेन यू वर अप्रोच्ड फॉर दिस रोल, आप सोच के बैठी हुई थी दैट यू विल गो बॉल्ड? या एब्सोल्युटली। मेरी एक्चुअली यू नो यू हैव दीस ड्रीम्स कि मैं कैसा कैरेक्टर करूंगी जिसमें इमोशनल आई थिंक जर्नी तो सभी कैरेक्टर्स की होती है, लेकिन फॉर मी फिजिकल जर्नीज ट्रांसफॉर्मेशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो मेरा हमेशा से ये था कि यार ये कैरेक्टर ऐसा हो कि मैं पूरे बाल उड़ा दूं उसके लिए। तो जब गॉन केश का हुआ, डैम एक्साइटेड कि चलो यू नो बाल उड़ने वाले हैं। लेकिन फिर डायरेक्टर जो कासिम है, हु इज मेकिंग हिज डेब्यू विद गॉन केश, तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे सीन्स हैं जिनमें उनको मेरे असली बाल चाहिए थे। सो उस रीज़न की वजह से मेरे केश with me, I'm with you, but ये बहुत apparent है that of course the movie is about hair, and I've said this कि यार usually what happens is what aging is to women is what hair loss is to men, but then in this case it's a disease that people haven't spoken enough about, and when it hits women and when hair loss is something जिसको women को या females को handle करना पड़ता है, it's not easy, and the movie is something around that. Why don't you tell us more about the topic and what the movie captures? So जैसे like you said कि एलोपेशिया के बारे में मुझे पता ही नहीं था। I didn't know something like a disease, a condition like alopecia exists। तो जब मैंने सिनॉप्सिस पढ़ा, फिर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे लगा यार कि अच्छा ठीक है, मतलब थोड़ी रिसर्च करते हैं, पता करते हैं। And when I read and when I started speaking to people around me, मुझे रियलाइज हुआ कि कितने लोगों को ये है। And हमें वही लगता है कि अगर हमें नहीं है या हमारी फैमिली में किसी को नहीं है तो ये होता नहीं है या हमें पता नहीं होता है। And that just made me feel very self-centered in a way and insensitive in a way कि हम दूसरों की लाइव्स के बारे में पता ही नहीं होता यार। So how can you contribute? How can you support and help? And in fact कई बार हम लोग ऐसे साइड पे होते हैं कि हम किसी का मजाक उड़ाते हैं फॉर वट एवर फिजिकल रीजंस, यू नो, मोटे को मोटा बोलना या फिर छोटे को छोटा बोलना, गंजे को गंजा बोलना, मतलब आपके लिए शायद ये मजाक हो, लेकिन इट हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स। सो the journey of Gone Kesh has been so beautiful, and the concept of beauty has really changed for me. And तो मुझे एलोपेशिया के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। Now after reading and meeting so many people, I really truly respect and I will never take my hair or skin for granted. And this is also a journey of a girl, right? Tell us more about that character and कैसे the whole life kind of comes through for her. So the film is a beautiful simple journey of this girl इनाक्षी। जब ये 16 साल की होती है तब उसको पता चलता है कि उसको एलोपेशिया नाम का एक डिजीज़ है, एंड सैडली द थिंग इज इसका कोई क्योर है ही नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पहले तो सबको लगता है अरे बाल ही तो हैं, बाल चले जाएंगे, व्हाट्स बिग डील, एंड दैट्स आई थिंक हमारा आउटलुक यही हो जाता है कि अगर कुछ लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो ठीक है ना, डील विद इट। बट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट लाइफ ऑल्टरिंग डेफिनेटली है। एंड योर ड्रीम्स, योर कॉन्फिडेंस, एवरी थिंग गोज फॉर अ टॉस, इट्स नॉट ईजी। और एलोपेशिया में क्या होता है कि ऐसे कि बाल नहीं झड़ने लगता, आपके पैचेस में बाल झड़ते हैं। तो जैसे अगर आप 5 का जो कॉइन होता है, 5 रुपए का कॉइन, तो उतने उतने ऐसे बड़े बड़े पैचेस में यू विल सी दैट हेयर इज नॉट देयर। तो स्कूल में भी बच्चे चढ़ाते हैं कि अरे इसके सर के पीछे ब्राउन आइलैंड है, ब्राउन आइलैंड है, एंड योर कॉन्फिडेंस गोज फॉर अ टॉस। एंड इनाक्षी का द फिल्म इज अबाउट, इट्स अबाउट दैट जर्नी, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग हु यू आर, एंड इट्स अबाउट नेवर गिविंग अप ऑन योर ड्रीम्स। That's beautiful, and it looks like quite a journey from a perspective of an actor also. ऐसा लगता है कि as an actor आपको काफी कुछ करने के लिए मिला यहाँ पर। बिल्कुल। भले बाल निकालने के लिए नहीं मिला, लेकिन I mean in terms of बाल की खाल हम लोगों ने यहाँ पर निकाली because of the character. But I've seen you are somebody who's picked up these fantastic characters. Bhale we talk about whether it's on the digital medium or it's on the films, you've always gone for something which is you know out of the box, and you've tried your hands. Did it happen by chance ya fir ye ek conscious choice rahi hai hamesha? To that's the thing ki matlab conscious choice nahi rahi hai, but I think somehow now that I look back I see that there is a pattern. The pattern is that I want to do रोल्स, किरदार जिसमें मीट हो, जूस हो, कुछ कहानी बताने वाला हो। एंड मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आई वॉन्ट ऑल माई कैरेक्टर्स टू लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड टू लुक डिफरेंट फ्रॉम मी। मतलब मुझे लगता है कि अगर इफ़ यू लुक डिफरेंट, इफ़ यू लुक अ सर्टन वे लाइक योर कैरेक्टर, देन आपका जॉब एज एन एक्टर इज ईजियर बिकॉज द वे यू सी योर सेल्फ। आप जब डिफरेंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल मसान की, मैं जब भी वो शालू चूड़ियाँ पहनती है, बिंदी लगाती है, उसके बाल एक सर्टन टाइप के वेवी थे, वो एक टाइप का कपड़ा, जूते पहनती थी, तो वो बहुत हेल्प करता है. हाँ. तो मुझे देयर आर टू थिंग्स दैट रियली हेल्प, इज वन इज क्लोथ्स और द एंटायर आउटफिट, एंड फ्रेग्रेंस. तो हर मेरे कैरेक्टर का या आई हैव अ सर्टेन परफ्यूम जो अलग 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 ऐसा होता है. एंड दैट गॉन केश का क्या है? गॉन केश का एक बहुत ही अर्दी नेचुरल ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंसी जो मैंने फॉरेस्ट एसेंशियल से उठाई थी. एंड या बिकॉज इट जस्ट हेल्प्स यू कनेक्ट विद दैट लाइफ. फैंटास्टिक. सो now that you said कि इतना thought जाता है हर character में, of course you're somebody who really believes in acting, right? But I remember Fatima Sana Sheikh just recently saying that when she had gone looking for work, there were a lot of people who had come across and said, because you're not from a filmy background and because you don't look a certain way, जिस तरह से heroine लगती है या female actresses लगती है, she was turned down a lot. And I think ऐसा बहुत होता है, जो भी film industry से नहीं आता, there is a certain box जहाँ पर हम fit करना चाहते हैं और काफी actresses नहीं fit होती हैं. Absolutely. Did you have to go through that personal journey jahan par you have to figure out ki nahi ho yaar, like it's not going to happen, I'll have to chart a new way? I think mere sath ye tha ki I was very sure about the kind of work I don't want to do. And मुझे ये तब ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, but definitely जब मैंने acting के बारे में सोचा था तो I was wearing a yellow suit with a yellow dupatta in a yellow field, you know, in my imagination. और मुझे ये indie cinema, parallel cinema, big budget, small budget क्या होता मुझे पता भी नहीं था, but somehow I was just drawn to these stories. Even जब मसान हुई या हरामखोर हुई, मुझे नहीं पता था कि ये फिल्म का आगे क्या होगा. इवन गॉन केश फॉर मी ऑब्वियसली येस बॉक्स ऑफिस इज इम्पॉर्टेंट, बट फॉर मी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द स्टोरी. वो कहानी क्या है मैं जो बता रही हूँ. जैसे गॉन केश में आई वांट कि कहीं जितने भी लोग देखें वो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट चेंज हो. एंड आई थिंक हम एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो हम इतना अपने आउटवर्ड लुक और उस सब पे ध्यान देते हैं कि कहीं वो जो एक इंसानियत होती है ना वो कहीं आई थिंक लूज हो रही है. राइट. सो इवन इफ लाइक फॉर एग्जाम्पल इनफैक्ट आई वाज एट द जूम होली पार्टी और मेरे बाल में भी पीछे पूरा पिंक है, एंड मतलब बट इट डज नॉट बॉदर मी, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ गॉन केश, बिकॉज यू आर हु यू आर, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन योर स्किन तो कोई कुछ कह ले आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. राइट. बट यू ऑल्सो फील कि प्रॉब्ली इफ दिस वाज द सीन 10 years बिफोर यू कुड हैव डन दैट, या फिर डिजिटल मीडियम के आने की वजह से. नो, यू आर राइट कि पहले आई डोंट नो कि अगर मैं 90s में आती तो क्या होता. Right. Like I feel very grateful that now is when I'm entering the industry. Right. I still think I'm very new and my career is still starting, but and like the struggles you're talking about, वो somehow पता है अपने आप में वो belief रखना बहुत ज़रूरी है. तो अगर चाहे लोग आपको बोलें भी ना कि आप एक certain type में fit नहीं हो, तो जो let's say heroinों का था especially 90s में, लेकिन वो अब change हो रहा है. Now people faces are very important more than their body, more than the kind of clothes that they wear. कि आप डायलॉग कैसे लेते हो, आप किरदार को कैसे निभाते हो. So एक्टर में भी कैरेक्टर आ गया है. Exactly, exactly. तो वो I think मतलब अब I think हीरो हीरोइन हार्डली लोग कहते हैं. और मेरा कभी एम लाइफ का हीरो हीरोइन बनना था ही नहीं, मुझे एक्टर बनना था, एंड मैं एक्टर हूँ. So that makes me very happy and content. So how would you say कि we're kind of accepting that digital medium has changed things, but do you think what is the biggest difference that now we see because digital medium हमारे सामने खड़ा हुआ है? I think digital medium से एक सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है कि जो इतना सारा टैलेंट था, नॉट ओनली एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, सबको उतना प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू शोकेस देयर वर्क. अगर आप इंस्टाग्राम की वजह से आप वायरल हो सकते हैं, तो आप अगर गुड कंटेंट इफ यू पुट इट आउट देयर, it will, people will get to see it. I think that is very important. Even Mirzapur, I mean, Ali Fazal, he's such a dear friend, and I've known him for 10 years. But when I saw, and I've seen his work before, but Mirzapur mein he has killed it. Like I love what he's done. So I think वही जो characters कहीं जो मिल जाते हैं ना, और कीड़ा थोड़ा, they are not your regular characters, जो कि अब फिल्म में भी change हो रहे हैं. So I think digital medium आपको एक वो और explore करने का chance देता है. Right, but do you think also the fact कि वहाँ पर censorship नहीं है, like we also saw that Mirzapur, like you mentioned, was also a series where you had like a bold sort of an episode, like a scene, and did that give you channel your things जहाँ पर बिना censor के you could still express, like as an actor you get more to work with? I really think कि censorship अगर नहीं होती है तो आपका job आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आई वॉन्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू पुटिंग आउट देयर. तो इवन एज क्रिएटर्स एंड इनफैक्ट जब वेब का पूरा बूम हुआ था सो देयर वाज सो मच ट्रैश दैट वाज कमिंग आउट. मतलब आप हर चीज़ में आपका ज़बरदस्ती के किसेस घुसाए हुए हैं, सेक्स सीन्स घुसाए हुए हैं या फिर गाली घुसाई हुई है जहाँ वो बिलोंग भी नहीं करता है. बट आई थिंक अगर स्टोरी एक पर्टिकुलर डिमांड करती है तो I feel it's totally justified and yeah. I feel अगर वो आप ट्रेलर के लिए शॉट नहीं यूज़ कर रहे हो so that means you want it because you want it in your storytelling. So censorship ना होना if anything at all I think is more responsibility for the creators. Fantastic, and we definitely know you are somebody who started her journey through digital or the other mediums and not been per se movies, though there have been some great movies in your kitty. Talking about that, let's go back a little bit and I realized ki your journey was behind the camera also, yes. right? Auditioning actors is yeah. where you found the connect. How was that like? You know, I really think ki when I was casting there was so much I got to learn हाँ. and my intention casting करने का ये था कि यार अगर मैं कास्ट नहीं हो रही, मुझे काम नहीं मिल रहा है तो इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं क्योंकि मैं थिएटर करती थी तो उनको तो चांस मिले. and being in the same room with these fantastic actors and directors and listening to क्या कह रहे हैं, क्या डायरेक्टर क्या चाहता है and कैसे आप इंटरप्रेट करके आप एक्टिंग कर रहे हो, that was my learning school. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यू नो आई डिड दैट एंड ऑल्सो एज एन एक्टर आप कैमरे के सामने कैसे बिहेव करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन व्हाट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज दैट व्हेन यू आर नॉट शूटिंग देन हाउ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड व्हाट यू आर थिंकिंग एंड थॉट्स, राइट. Also like we said कि अब actors में character आने लगा है but then let's say you were given a character role which you have in the past, but what's your process? मतलब do you just pick up and I know Made in Heaven में like you picked up a small part लेकिन how is that ki character role bhi chalega? What is your outlook for that? I don't see roles as lead or parallel or small. I think कलाकार बड़ा या छोटा नहीं होता है, कलाकार कलाकार होता है एंड सेम वे चाहे वो 2 मिनट का सीन हो या फिर 2 डायलॉग वाला सीन हो, दैट डजंट बॉदर मी एट ऑल. वो स्टोरी में क्या कर रहा है, right, that is what matters. So I have no problem doing a guest appearance or maybe 2 scenes or if I enjoy it, yeah, that is what I look forward to. तो चाहे वो फिल्में हों, अगर मैं पोस्टर में हूँ या पोस्टर में नहीं हूँ, वो इनफैक्ट Made in Heaven I was not expecting anything from Made in Heaven. मतलब I did it because I wanted to work with the team and but show आने के बाद the response that I got I was like wow, like come on. So I think वही होता है कि आप अपना काम 100% करो, फिर जो होना है वो होगा ही, that nobody can stop. But now that you've said that I don't know if I can ask that, but I'm going to still ask it. March 29th is when the movie is releasing. Yeah. Yeah. कुछ तो expectations होगी. I know you're trying to be like कि अरे जो होगा देखा जाएगा, but कुछ तो होगा. नहीं, मुझे लगता है expectations definitely होती हैं, लेकिन वो expectation के बोझ में ना हम खुद ही दबते जाते हैं. So that's why right now I think I'm very zen because I have not seen the film yet. You haven't? I haven't. So and I'm not biased towards my work at all. So that's another pressure. क्योंकि ऐसा कई बार होता है ना कि अगर आपको काम आप जो भी करो अच्छा लगता ही लगता है, right. तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर मैं कोई एपिसोड देखती हूँ या कोई एड देखती हूँ या काम देखती हूँ जो मज़ा नहीं आया, एंड आई एम ओके विदाउट अबाउट इट. आई एम एब्सोल्युटली ओके इफ आई एम ओके अबाउट माई जॉब, क्योंकि होता है एवरी टाइम यू कांट बी इट्स वेरी गुड अगर आप हर बार छक्का मारते हो, लेकिन आप अगर नहीं मारते हो तो वो भी ठीक है, चलेगा. बट ऑब्वियसली गॉन केश क्योंकि जो स्टोरी है वो स्टोरी इतनी स्पेशल है एंड इट्स सो सिंपल एंड द ब्यूटी इज इन द सिंप्लिसिटी. So I'm really hoping that people go to watch it, to be very honest, more than box office numbers. I just hope that लोगों को पता चले कि ये मूवी आ रही है सिनेमा घरों में, जाके देखें. फिर उनको अच्छी नहीं लगे, अच्छी लगे, that is up to them. हमें जो करना था हमने वो कर दिया. But I'm मतलब I swear more than box office, I just hope that जो भी जाए उसको मजा आए. Thank you so much for coming on Planet Bollywood. अब जल्दी मूवी देखो और मुझे बताओ कि कैसी लगी.